राहुल जी, आपने आज तक बहुत सारी गेम्स का एंड किया है, तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा कि आपको मतलब कीबोर्ड माउस से खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है या कंट्रोलर से? देखो नोरी जी, गेम पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूंगा कि कुछ गेम्स होती हैं, जैसे कार रेसिंग की अगर मैं बात करूँ तो वो जॉयस्टिक से ही ज़्यादा मज़ा आता है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा ऑनेस्टली, क्योंकि अच्छा उसमें वाइब्रेशन होती है। और कुछ अगर अगर हम शूटिंग की थर्ड पर्सन हो या फर्स्ट पर्सन हो, शूटिंग की गेम की बात करें या एक्शन गेम की बात करें, तो वो कीबोर्ड एंड माउस से, जिसमें ज़्यादा कीज यूज़ करनी होती है। जैसे अगर अगर हम मैक्स पेन की भी अगर मैं बात करूँ, तो मैक्स पेन जैसे थर्ड पर्सन गेम है, लेकिन उसे मुझे मज़ा ही कीबोर्ड एंड माउस से आता है खेलने में। अच्छा मैक्स पेन में क्योंकि ऐसा क्यों? उसका रीज़न क्या है, जैसे एक प्रोटैगनिस्ट को वो 6 गन्स कैरी कर सकता है, तो आप अच्छा जॉयस्टिक में चाहकर भी 6 गन्स बटन से, अलग अलग बटन से नहीं लगा सकते, उसमें इतने बटन्स नहीं होते। लेकिन अच्छा कीबोर्ड में क्या होता है, आप 6th नंबर से, या जैसे एक बटन हमने सेट कर दिया कि इससे ग्रेनेड आएंगे हाथ में, 5 से लॉन्चर आएगा, 4 से AK-47 आएगी, 3 से पिस्टल आएगी, तो हम एक बटन दबाएंगे और वो मतलब गन उसके हाथ में होगी। अच्छा जो हम और चेंज माउस करना से जो चाहते हैं मूवमेंट होती है, जैसे हम हेडशॉट लेना चाहते हैं, तो हेडशॉट जो बिल्कुल माउस से एक्यूरेट आएगा, होती है हाँ, ना? एक्यूरेट जो एक निशाना आता है, तो वो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है यार। तो मतलब बस कीबोर्ड एंड माउस का भी एक अपना मतलब एक अलग रोल है। अब ये है कि हम प्ले स्टेशन पे और एक्सबॉक्स पे ज़्यादा गेम करते हैं, तो उसमें कीबोर्ड एंड माउस अनफॉर्चुनेटली उनमें सपोर्ट नहीं करते। जी। तो उसके लिए दोस्तों आज ये वीडियो हम उसी के लिए एक तरह से खास बना रहे हैं। जो आज वीडियो का बनाने का हमारा मोटो है वो यही है दोस्तों। अभी हमने हाल ही में एक ऐसी डिवाइस परचेस की है जिसकी मदद से हम सभी प्ले स्टेशन एक्सबॉक्स की गेम्स को कीबोर्ड एंड माउस में कन्वर्ट करके खेल सकते हैं और उसकी अनबॉक्सिंग बस अभी दिखाने ही वाले हैं आपको। जी। और दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं, आप समझ सकते हैं कि उससे कितने आपको एडवांटेजेस मतलब मिलेंगे। हाँ बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे। अब ये वो तो आप वीडियो देखते रहेंगे तब आपको और अच्छी तरह से गाइडेंस जी, और मिलती इस पर हम रहेगी। थोड़ा सा यार चर्चा भी करेंगे, डिस्कशन भी करेंगे कि कौन कौन सी गेम्स हैं जो उसे खेलने में ज्यादा मजा आएगा। लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना होगा, छोटा क्या सा चैनल को सब्सक्राइब करना होगा हाँ और इस यार, वीडियो को लाइक एंड शेयर तो दोस्तों फटाफट से कर दो, और हम वीडियो को करते हैं शुरू। तो हो हो जाए। जाए दोस्तों, देखिए आपने हमारी देसी अनबॉक्सिंग। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और बताइएगा यार कमेंट बॉक्स में भी आपको कैसी लगी। प्रोडक्ट भी मैं दिखा देती हूँ, छोटा सा बॉक्स है, इसका नाम है की मेंडर। राहुल जी से पूछते हैं इसका प्राइस क्या होगा। एक्चुअली इंडिया में अवेलेबल भी नहीं है, अभी फॉरेन से हम लोगों ने मंगवाया है। और पर्पज क्या है इसको मंगवाने के पीछे, तो राहुल जी बताइए आप इसके बारे में डिटेल में। दोस्तों, ये जो आप की मेंडर देख पा रहे हैं, इसका मुझे मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में आपको वीडियो में हमने बताया आपको, इसका सबसे पहला मेरिट तो यही है कि बहुत सारी गेम, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि प्ले स्टेशन में मैं ये सब चीज़ें बहुत सर्च करता था कि यार जैसे मैक्स पेन गेम का मैंने आपको बताया, वो तो खैर प्ले स्टेशन 4 में रिलीज नहीं हुई है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन प्ले स्टेशन 3 में मैक्स पेन 3 जब आई थी, तो उस समय एक ईगल आई कन्वर्टर आता था, और अच्छा वो मैंने बाहर भी खूब कोशिश की थी उसे मंगाने की। उस समय अमेजोन
ईबे ये सब इतने डेवलप नहीं हुए थे और ये बाहर से प्रोडक्ट को शिप नहीं कराते थे, तो उस समय अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं मंगा पाया वो प्रोडक्ट किसी भी तरह से। अच्छा। लेकिन अब PS4 में जाकर मुझे ये चीज जब नजर आई Amazon.in पर, तो मैंने ग्लोबल स्टोर से परचेस कर लिया उन्हीं के थ्रू, तो मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी बढ़ा है दोस्तों, लगभग 8,500-9,000 रुपए की कीमत है इसकी। अच्छा। हाँ, लेकिन इसका फायदा मुझे सबसे बड़ा नजर ये आता है, जैसे बैटल फील्ड गेम है उसका मल्टीप्लेयर मोड अगर हम खेलेंगे, कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 4 मोड है उसका ज़ॉम्बी मोड को अगर हम खेलना चाहें, तो कीबोर्ड एंड माउस से भी एक अलग मजा आता है खेलने में, उससे आपकी किल्स भी बेटर होती हैं, और साथ में बहुत सारी गेम्स हैं, आप इससे क्रैटोस, गॉड ऑफ वॉर या कोई भी मतलब गेम खेलना चाहें। सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि कंट्रोलर जो है उसकी जितनी भी कीज है उसको कीबोर्ड माउस में कन्वर्ट करके मतलब आप अटैच कर ले और अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो दोस्तों, आप जहां चाहते हो कीबोर्ड को माउस को जिस तरह से मूव कराना चाहते हो, और साथ ही इसके अंदर अगर आप देखेंगे देख सकते तो पोर्ट्स बहुत सारे हैं, डेटा है, गेम है, PC पावर, और अभी सही ढंग से हम भी यूज करेंगे, यहाँ गेम पैड दिया, कीबोर्ड एंड माउस, तो तीन उन्होंने USB के पोर्ट दे रखे हैं दोस्तों। ये क्या है राहुल जी, ये तीन लाइट्स हैं। अभी दोस्तों एक्चुअली क्या है ना, हमने भी ये सही तरह से यूज नहीं करके देखा है, तो इसका भी एक जल्दी से आपको लाइव स्ट्रीम में हम टेस्ट करके भी दिखाएंगे, और हाल फिलहाल में ही मतलब आजकल में ही आपको इसके थ्रू मतलब लाइव स्ट्रीम भी देखने को मिलेगी, हम आपको कीबोर्ड एंड माउस से मतलब PlayStation 4 जैसी गेम भी PlayStation 4 से आपको गेम प्ले करके दिखाएंगे, जो गेम आप कहेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ Fortnite, क्योंकि Fortnite में मैं आपको नोनी जी बताना चाहूंगा, कंपनी ने Fortnite में ऑप्शन दिया हुआ है कि आप कीबोर्ड एंड माउस से USB अटैच करके भी खेल सकते हो। अच्छा। लेकिन Battlefield हो गई, Call of Duty हो गई, या God of War हो गई, या Red Dead Redemption 2 की अगर मैं बात करूं, क्योंकि वो भी एक्शन गेम है और उसमें भी एम्स का बहुत मतलब मैटर करती है सब चीजें कि आप कितना अच्छा ले पाते हो, और हेड शॉट लेने का तो यार अपना एक अलग ही मजा है, तो Fortnite गेम और भी जितनी तमाम तरह की गेम्स है, मैं मानता हूँ कि यार कीबोर्ड एंड माउस मतलब PlayStation सारे एक्सक्लूसिव टाइटल्स भी चलेंगे राहुल जी, सब यही बात है दोस्तों, PlayStation हो, Xbox हो, आप उसे PC बनाकर खेल सकते हो, तो अब आप समझ जाओ बहुत बढ़िया बात है, तो एक्सक्लूसिव टाइटल खेलने का कितना मजा आएगा, मतलब अगर आपके पास PlayStation है तो आप PC की तरह प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मैं एक गेम का नाम आपको बताना चाहूंगा, PlayStation 4 में किलजोन शैडोफॉल, वो एक्सक्लूसिव टाइटल है, वो ना तो PC पर रिलीज हुआ ना Xbox पे, तो उस गेम को वो फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है, स्पाइडरमैन भी कह सकते हैं, स्पाइडरमैन तो नोनी जी चलो एडवेंचर है, वो जॉयस्टिक से मजा आता है खेलने में, लेकिन लेकिन इससे भी खेल सकते हैं, हाँ खेल आप सब सकते हैं, लेकिन किल जोन शैडो फॉल गेम मतलब मैं अगर खेलूंगा तो मुझे लगता है इसी पर खेलूंगा, इसी पर ट्राई करूंगा मेंडर के थ्रू, और आगे भी जितने भी टाइटल्स आएंगे दोस्तों जो हम कंसोल पे ही परचेस करेंगे, वो जो एक्शन और शूटिंग वाली गेम्स होंगी, तो मैं ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा कि इसी के थ्रू हम उसका गेम प्ले करें, और प्लीज आप लोग कमेंट में हमें जरूर बताइए #NGW_ देकर कि आपके हिसाब से हमें कंसोल की कौन सी गेम इसके थ्रू ट्राई करनी चाहिए कीबोर्ड एंड माउस से, जिससे आपको भी हम एक अच्छा एक्सपीरियंस बता सके अपना लाइव स्ट्रीम में ही, लेकिन एक्सपेरिमेंट हो पाएगा यार सही तरीके से, तो बिल्कुल यार। और आपको क्या लगता है नोनी जी कि इसका इतना यूटिलाइजेशन इंडिया में जैसे ये लॉन्च नहीं हुआ, और इंडिया में क्योंकि एक तो दोस्तों इसकी मांग नहीं है, कहीं भी डिमांड नहीं है, इंडिया में क्या है ना इतनी एडवांसमेंट पे फोकस नहीं किया जाता, यहाँ पर भी बेसिक्स जी है ना, उन्हीं की मतलब रिक्वायरमेंट्स जो है उन्हीं को फुलफिल कर रहे हैं लोग जी, तो इसलिए, लेकिन फॉरेन ये प्रोडक्ट्स बनाता है अपनी सहूलियत के अनुसार जी, तो वहाँ पर लोग यूज करते हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे गेमिंग कल्चर हमारे यहाँ भी ज्यादा अच्छा होता रहेगा बढ़ता रहेगा, तो वहाँ ऐसी चीजें फिर कॉमन हो जाएंगी सब। हाँ बिल्कुल ये सच बात है, और ये यार क्या है ना, ये प्रो गेमर्स जो बहुत अच्छे से खेलना चाहते हैं और अपनी स्किल्स को मतलब एक होता है एनहांस करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, तो उससे इसकी मदद से आप कंसोल के माध्यम से अपनी उन जो स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हो, और जैसे कि अभी रूमर्स आ रहे हैं कि PUBG भी बहुत जल्द PlayStation में आपको देखने को मिल जाएगी, या PUBG PC की अगर मैं बात करूं तो वो Xbox में जो लोगों को बहुत हार्ड लगता है खेलने में Xbox One में, तो आप कीमेंडर का यूज करके यार उसको PC की तरह ही खेल सकते हैं, ये बात बहुत बढ़िया है। तो Red Dead Redemption 2 का भी दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि एक एपिसोड हम दोबारा से लाइव स्ट्रीम करें, क्योंकि वो गेम इतनी अच्छी है ना, मन ही नहीं भरता, और उसमें कुछ वैसे भी राहुल जी आपको पता है बहुत सारी स्पीशीज है जो हमने भी अनलॉक नहीं की है, मतलब उनके बारे में हमें डिटेल में भी पता ही नहीं चला, बिल्कुल, तो वो सारे स्पीशीज भी देखने को मिलेंगी अगर उसके कुछ ऐसे मिशंस है जो रह गए हैं। बाकी यार हमारे इतने सारे मेंबर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, ये ही हमें सही तरह से गाइड कर पाएंगे कि हमें कौन सी गेम कंसोल की मेंडर के थ्रू लाइव स्ट्रीम में जल्दी से कमेंट बॉक्स में #NGW और स्पेस देकर आप मेंशन कीजिए कि बताइए कौन सी गेम जो है की मेंडर के थ्रू लाइव स्ट्रीम में देखना चाहते हैं आप लोग,
और दोस्तों और सबसे ज्यादा खुशी तो यार हमें इसी बात की होती है कि हम आपके लिए यूनिक अनबॉक्सिंग लेकर आते हैं, यूनिक प्रोडक्ट्स की लेकर आते हैं जो इंडिया में आपको पहले कोई नहीं दिखाता, तो इस बात की हमें बहुत खुशी है। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से हम यूनिक जो अनबॉक्सिंग है आपको दिखाते रहे नए नए प्रोडक्ट्स की, जैसा रेजर राइजू की अभी आपको हमने लास्ट दिखाई थी, तो फटाफट से यार वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप एंड फ्रेंड सर्कल में, सभी गेमिंग कम्युनिटी तक, इंडिया के जितने भी गेमर्स हैं उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि एक चैनल है जो कुछ यूनिक हटकर काम करता है वो अच्छा है या बहुत अच्छा है, वो तो आप ही ज्यादा सही तरह से बता पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस यार फटाफट से आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। बिल्कुल आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।